हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो कल रविवार है तो इसीलिए मैं रांची निकल रहा हूँ अपनी वाइफ के पास, और कल मेरा बाइक का सर्विसिंग भी कराना है, इसलिए मैं अभी रांची की ओर निकल रहा हूँ। तो चलिए, आप इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ने का बढ़ावा मिलेगा, इसलिए आप सबों का मुझे भरपूर सपोर्ट चाहिए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम रोड में चलते हुए बात करते हैं, आप इस वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं कि अभी मैं अपने हेलमेट में मोबाइल माउंट लगा चुका हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए मोटो ब्लॉगिंग करते हुए कुछ वीडियो बनाना चाहूँगा। तो चलिए, इस वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं बाकुटोली पहुंच चुका हूं। मुझे बाकुटोली से सीधे जाना पड़ेगा क्योंकि बायां जाएंगे तो फिर हम उधर कौनवीर बसिया होकर सिमडेगा निकल जाएंगे, तो हम लोग सीधे की ओर चलते हैं। मेरा मोटर ब्लॉगिंग नया है, इसलिए व्यू कैसे आ रहा है, अगर व्यू अच्छा से नहीं आ रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं आने वाले समय में सुधार करने का जरूर कोशिश करूँगा। तो मैं अभी कमरा मिशन पहुंच चुका हूं। मैं यहां से बाएं वाला रास्ते से होकर जाऊंगा जो कि गोविंदपुर कर्रा होकर के रांची निकलती है, क्योंकि इधर से कुछ शॉर्ट पड़ता है, तो मैं ये रास्ता से ही मैं अधिकतर रांची आना जाना करता हूं। को तुरबुल चौक कहते हैं। यहाँ से हम अगर दाई की ओर जाएंगे तो पोकला निकलेंगे, और अगर बाई की ओर जाएंगे तो कुमारी होकर के गुमला रोड निकालेगी। आप देख सकते हैं मैं बकसपुर पुल पहुंच चुका हूं, जो कि बकसपुर के पास है, और देख सकते हैं अब बगल में रेलवे पुल भी है क्योंकि यहां रेलवे लाइन है, और सामने में 1 किलोमीटर आगे में बकसपुर स्टेशन है। दोस्तों, आप अगर यहाँ आप आइएगा ये रोड, तो कन्फ्यूज मत होइए क्योंकि आगे रोड बंद है, आगे रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पर हम रेलवे पुल के नीचे से जाना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दाहिने जा करके रेलवे पुल के नीचे से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने में सब्जी बाजार है, अगर आप आइएगा तो यहाँ हमेशा कोई ना कोई यहाँ सब्जी बेचते रहते हैं। तो दोस्तों, देख सक रहे हैं आप कि हम यहाँ रेलवे पुल के नीचे से पार होंगे। इस रोड में 2 जगह रेलवे पुल के नीचे से पार होना पड़ता है, और बस वहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा ख़राब रोड मिलेगा, बाकी बात लगभग ठीक ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से करीब 400-500 मीटर रोड काफ़ी ख़राब है, इसलिए यहाँ धीरे धीरे जाना ही बेहतर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने में एक स्कूटी वाला जा रहा है, वो थोड़ा सा टॉनिक लिया हुआ लग रहा है थोड़ा, इसलिए कुछ दूर इनके पीछे पीछे चलते हैं। चलिए, वो अपने रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते चलते हैं। ये रोड में एक ही पुलिस स्टेशन पड़ता है, वो भी गरियाजड़ पुलिस स्टेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं बाया में पुलिस स्टेशन का जो बिल्डिंग है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो
अभी मैं जो चौक पहुंचने वाला हूं, इसे कैंची मोड़ बोलते हैं। इसका नाम कैंची मोड़ क्यों पड़ा वो तो नहीं पता, पर देख सकते हैं आपकी थोड़ा सा इसका जो रोड है चारों ओर से आती है और वो चौराहा जैसे नहीं है, थोड़ा कैंची के आकार में है, शायद इसीलिए इसे कैंची मोड़ कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इधर दहीने वाले रोड में चले जाइएगा तो आप रोड में निकल जाइएगा। तो मैं कर्रा के लिए बायां वाला रास्ता से चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जमहाड़ बाज़ार लगता है, यहाँ बहुत या काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है। अगर आप यहाँ कभी आइएगा तो ज़रूर बाज़ार घुसिएगा, देखिएगा कि यहाँ बहुत सारे विक्रेता थोक के रूप में बेचते हैं। यह बाज़ार गोविंदपुर स्टेशन के बगल में ही लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाईं ओर जाएंगे तो हम रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। तो आप ज़रूर यहाँ आना चाहेंगे तो रेल के माध्यम से भी आ सकते हैं या तो बाय रोड के द्वारा भी आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कर्रा पहुंच चुका हूं, और अगर आप दाएं की ओर जाइएगा तो वो खूंटी निकालेगा वो रोड, और रांची धुरवा जाने के लिए आपको बाएं वाले रोड होकर जानी पड़ेगी। We'll be right back.
ये छोटा जंगल है लेकिन काफ़ी घना है, देखने से ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इस रोड से आते हैं तो आपको पेट्रोल पंप बीच में कहीं नहीं मिलता है, कमरा के बाद सीधे लोधमा में मिलता है, इसलिए आप अपने अनुसार तेल अपने टैंक में फुल करा कर रखें। तो मैं अभी लोधमा पहुंच चुका हूं, ये ध्रुवा से जस्ट पहले पड़ता है। यहाँ पर पटेल बीएड कॉलेज है जो कि दहिने वाले रोड से जाती है, जैसे कि आप देख सक रहे होंगे दहिने में एक बिल्डिंग दिख रहा है, वही पटेल बीएड कॉलेज का बिल्डिंग है, यहाँ बीएड की पढ़ाई होती है। तो मैं फाइनली रांची रिंग रोड पहुंच चुका हूं, जैसे कि आप देख सक रहे हैं सामने में ओवरब्रिज दिख रहा है। मैं यहां से दहिने होकर के रिंग रोड में चढ़ूंगा और मैं भुसूर होकर के मैं नामकुम निकलूंगा, तो मैं अब यहां से बाएं निकलता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं रिंग रोड में चल रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि रांची घुसने के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं अपना वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली मैं रांची पहुंच गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, तो मैं थोड़ा फ्रेश होता हूं, फिर मिलते हैं आने वाले समय में एक नए वीडियो के साथ।